नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब दोस्तों। फर्स्ट पेपर पे मैंने दोबारा काम किया है और इसकी एक रिवाइज्ड आंसर की आप सब लोगों को देना चाहता हूं। क्योंकि फर्स्ट एक वीडियो मैंने पहले डाला था, उसमें मैंने जल्दी जल्दी आपको केवल आंसर बता दिए थे। यहां मैं थोड़ा एक्सप्लेन भी कर दूंगा आपको, तो आप इसका मिलान कर लीजिए। मैं जिस पेपर से कर रहा हूँ इसका कोड है आर, ये बुकलेट नंबर इसकी आर है। तो इसमें सबसे पहले पैराग्राफ है जिसके कि 5 सवाल हैं। तो इसका पहला सवाल आप देखेंगे तो प्रौद्योगिकी आगतों के लाभ का परिणाम होगा। तो ये जो पूरा पैराग्राफ आप पढ़ेंगे, दूसरे लाइन में देखिए लिखा हुआ है कि प्रौद्योगिकी आवश्यकताओं पर ध्यान केंद्रित करना होगा। फिर इसी से जुड़ी उसके नीचे वाली लाइन है, ठीक है। फिर ये सेकेंड थर्ड फोर्थ ये तीनों लाइन आप पढ़ेंगे फिर आपको क्लियर होगा। फिर उसके बाद आप आएंगे तो हमारा यह मानना है कि चौथे आयाम के संदर्भ में जनता की आकांक्षाओं में निरंतर हो रहे परिवर्तन, वैश्विक संदर्भ में अर्थव्यवस्था तथा सामरिक महत्व वाले हित के परिप्रेक्ष्य में औद्योगिक शक्तियां विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। मतलब आप यहाँ पे गरिमामयी जीवन के विषय में बातें लिखी गई है। तो इसका सटीक उत्तर, क्योंकि गरिमामय जीवन में बाकी तीनों ऑप्शन खुद ही आ जा रहे हैं, लेकिन आप अगर आप और कोई ऑप्शन ले रहे हो तो उसमें गरिमा में जीवन नहीं आएगा। इसी तरह आप दूसरा ऑप्शन देखिए, सवाल नंबर दो कि अधिक उत्पादक रोजगार पैदा करने के लिए आवश्यक है। तो पैराग्राफ पढ़ेंगे तो इससे आपको आसानी से समझ में आ जाएगा कि प्रौद्योगिकी का व्यापार व्यापक अनुप्रयोग आवश्यक है। मतलब इसको इंग्लिश में बोलेंगे परवेजिव यूज ऑफ टेक्नोलॉजी, मतलब दूसरे का दूसरा ऑप्शन सही होगा। इसी तरह अब तीसरे सवाल पे आइए तो प्रौद्योगिकी की अनुपस्थिति में से किसका मार्ग प्रशस्त होगा। तो ये होगा, इसमें इसको आप ठीक से पढ़ेंगे तो ये एक तो किसका मार्ग प्रशस्त होगा, इसमें प्रौद्योगिकी से क्या होगा, इसमें मूल्यवान प्राकृतिक संसाधनों की बर्बादी, निम्न स्तरीय मूल्य संवर्धन, अत्यंत गरीब लोगों को सबसे अधिक नुकसान, ठीक है। और प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल से प्रदूषण कम नहीं होता बल्कि प्रदूषण बढ़ता है। जब प्रौद्योगिकी रहेगी तो हम संसाधनों का उपयोग भी ज्यादा करेंगे। इसको आप अच्छे से देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि तीसरा ऑप्शन ही सही है। विकसित भारत की कल्पना को साकार करने के लिए क्या आवश्यक है, इसके लिए आवश्यक है संकेंद्रिक प्रौद्योगिकी शक्ति का विकास, ठीक है। अब ओवरऑल आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि ये पूरा जो ये है पैराग्राफ ये प्रौद्योगिकी पे ही प्रौद्योगिकी के ही विषय में है, तो यहां से भी आप दिमाग लगा के लिख सकते हैं। फिर पांचवा सवाल है उपरोक्त गद्यांश के अनुसार निम्न में से कौन चौथे आयाम को इंगित करता है। चौथे आयाम को कौन इंगित करेगा, जन आकांक्षाएं, आधुनिक गतिशीलता, वैश्विक परिप्रेक्ष्य में अर्थव्यवस्था, ठीक है। सामरिक हित उतना इंपॉर्टेंट चीज नहीं है, आप सामरिक हित को दरकिनार भी कर सकते हैं। सबसे पहले ये सब चीजें ठीक रहेंगी तभी फिर आप सामरिक हित पे जा पाएंगे, ठीक है दोस्तों। तो इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। आप एक बार यहां से फिर से पैराग्राफ देख लीजिए कि फिर आइए अब छठवें सवाल पे। छठवां सवाल क्या है, छठवां सवाल है कि ये कथन के आधार पर निष्कर्ष निकालना है। अधिकांश नर्तक शारीरिक रूप से फिट हैं, अधिकांश गायक नर्तक हैं। तो इसका जो सही होगा उत्तर वो होगा कि अधिकांश नर्तक गायक हैं और अधिकांश शारीरिक रूप से फिट व्यक्ति नर्तक हैं, इसीलिए इसका तीसरा ऑप्शन सही होगा। और सातवें का आप मिलाएंगे तो देखेंगे कि वी के बाद STUVW हुआ, ठीक उसी तरह के बाद L हो जाएगा, फिर A के बाद B छोड़ के C हुआ, फिर उसी तरह से ये इसमें हो जाएगा O Q हो जाएगा तुरंत, फिर इसी तरह एक एक का गैप बढ़ता जा रहा है सीक्वेंस के साथ। तो यहां से आप तो इसका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। इसी तरह आप आठवां सवाल देखेंगे तो ये मिलाने में आप इसको तो आसानी से कर लेंगे, इसमें उत्तर हो जाएगा बहन। फिर नौवें सवाल पे आएंगे जब कक्षा में कुशल ढंग से संप्रेषण करना एक स्वाभाविक क्षमता है, कक्षा में प्रभावी शिक्षण के लिए संप्रेषण प्रक्रिया का ज्ञान आवश्यक है। देखिए संप्रेषण स्वाभाविक क्षमता है,
लेकिन स्वाभाविक क्षमता का भी तो विकास होना चाहिए ना। वो विकास क्या होगा, उसका ज्ञान आपको आवश्यक है तभी हो पाएगा, इसीलिए इसका दूसरा ऑप्शन सही होगा। कौन सा आगमनात्मक तर्क में पूर्व कल्पित है, ये है प्रकृति की समरूपता, मतलब यूनिफॉर्मिटी ऑफ नेचर, क्योंकि यूनिफॉर्मिटी ऑफ नेचर रहेगा तभी आप लॉजिक लगा सकते हैं। अगर नेचर कुछ भी अपने हिसाब से करने लगे तो फिर आपका लॉजिक